हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका कॉस्मिक पेगासस एके अंकित। और मैं आज मतलब थोड़ा सा बोरिंग डे है आज, तो हम लोग सोच रहे हैं कि आज क्या किया जाए, कुछ किया जाए कुछ किया जाए। फिर अचानक से हमारा एक प्लान बनता है कि चलो एक जू घूम कर आते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि जू के साथ क्यों ना एक छोटा सा व्लॉग भी बना लिया जाए। तो आज हम सोच रहे हैं कि चला जाए अलीपुर जू, जो कि इंडिया का एक ओल्डेस्ट जू भी रह चुका है, मतलब बहुत ही पुराना जू है, इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट जू है ये। और बहुत सारे जानवर भी हैं यहाँ पर, बहुत फेमस है, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा यहाँ का। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं अलीपुर जू कोलकाता। देख सकते हैं आप लोग, हमने पे किया है 120 फॉर 4 पीपल्स, 32 ईच। यहाँ पे पार्किंग है, आप गेट से एंट्री करके जस्ट राइट आइएगा तो यहाँ पे पार्किंग। अगर आप बाइक से आते हैं तो आप यहाँ पे अपनी बाइक पार्क कर सकते हैं। बाइक के लिए एडिशनल चार्जेस हैं लेकिन ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे पार्क सकते हैं। देखिए एंट्री करते ही बस आपको राइट आना है, कार की एंट्री नहीं है यहाँ पे, मैं बता दूं। तो दोस्तों अब आ गए हैं हमारे जैगुआर भैया, और इन्हें कहा जाता है कि लार्ज कैट स्पीसीज में से एक हैं, और ये लिविंग मेंबर हैं जेनस पैंथेरा के। और इनका स्पीड मतलब 80 किलोमीटर पर आवर का मैक्सिमम स्पीड से दौड़ सकते हैं। अब हम आ गए हैं ये नन्हे से छोटे से घड़ियाल बाबू के पास, और देख रहे हैं ये कैसे क्यूट से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। और जब ये लोग बड़े हो जाते हैं तो मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, ये सबसे लॉन्गेस्ट क्रोकोडिलियंस हैं। और ये लोग मतलब कि अभी बहुत ज़्यादा नहीं, 270 ही पूरे वर्ल्ड में बचे हुए हैं। तो फिर मतलब ये लोग बहुत ही ख़तरनाक लगते हैं जब अपने ये अल्टीमेट फॉर्म में होते हैं। देख सकते हैं आप लोग ये चमगादड़ इस तरह लेटे हुए हैं यहाँ पर सोकर, जैसे लग रहा है कि सूखे पत्ते लटके हुए हैं। और लिटरली हम लोग ने तो मतलब सोचा ही नहीं कि यहाँ पर चमगादड़ है। अचानक से मेरी नज़र गई और देखा मैंने, ओह माय गॉड। चलिए दोस्तों अब हम आप लोग को दिखाने जा रहे हैं इंडिया के मोस्ट प्रेस्टिजियस एनिमल को, एलिफेंट, जो कि वॉर में बहुत ज़्यादा यूज होता था। और लॉर्ड गणेशा का मतलब सर भी इसी हाथी के एक सर को काट कर लगाया गया था। अब टहलते टहलते हम लोग आ गए हैं ये जलजली सी सांपों के पास, और कई लोगों के दिल यहाँ पर दहल जाएंगे क्योंकि ये है इंडियन रेड स्नेक। और ये लिटरली बहुत ही बड़े होते हैं, और 2 मीटर तक बड़े होते हैं, और ऐसे आपको बोले तो 6.5 फुट तक होते हैं। और मतलब ये नॉन वेनमस होते हैं, बट फिर भी आप चुम्मा चाटी इसके साथ मत ही कीजिएगा। तो हम लोग अब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लेते हुए रेप्टाइल हाउस से निकल चुके हैं, और अब हम लोग मैप की तरफ बढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। पर है अभी रेप्टाइल हाउस पे, और अब हम लोग सोच रहे हैं कि डियर्स की जो है मतलब यहाँ पे लाइन से 3-4 तरह की डियर्स रखे हुई हैं, स्पॉटेड डियर, बो एंटलर डियर और बहुत सारे डियर हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि उसी को पहले देखने चलते हैं, और 5-6 तरीके की डियर्स आपको मिलेगी। तो चलिए इनका जो सींग होता है वो एक धनुष की तरह ऐसे निकलता है, और एक में बहुत सारी 4-5 तरह के सींग निकलते हैं, और ये बहुत ही रेयर ये होते हैं। देखिए वहाँ पर अभी निकल रहा है कुछ की नया नया डियर्स, मतलब उन लोगों की सींग निकल रहा है, और बहुत ही सुंदर होता है। तो जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, अब हम लोग आ चुके हैं स्पॉटेड डियर्स के पास,
और इन लोग की बॉडी के स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ इन लोग के ऊपर जो वाइट वाइट स्पॉट है उसकी वजह से ये लोग स्पॉटेड डियर के नाम से जाने जाते हैं। और इनका हॉर्न भी कुछ कम नहीं, कमाल का नहीं है। देखिए ये कितना डेंजर लगता है, अगर किसी के ये पेट में घुस जाए तो फिर उसकी तो मतलब जान तो ले ही लेगी। वो यहाँ पे आपको दिखेगा ब्लैक बक, जिसे हम लोग काला हिरन कहते हैं। रुकिए आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहीं कहीं पे तो था, झाड़ियाँ हैं लेकिन इसी के पीछे कहीं पे था। ब्लैक बक यहाँ पे काला हिरन था ना, तो आपको इधर नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि उसे तो सलमान भाई ने कब का। देखिए आप यहाँ पे आप अगर चाहें तो आइसक्रीम खा सकते हैं, पॉपकॉर्न, आइसक्रीम, पेटी, सब बहुत कुछ यहाँ मिल जाएगा। ये देखिए आपको बहुत अट्रैक्टिव चीज़ दिखाता हूँ, वो है ट्राई कलर आइसक्रीम। ये देखिए बाहर से बहुत कॉस्ट ज़्यादा रहता है। हाँ ये बात है, अगर आप बाहर से आप ले लें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉस्ट ज़्यादा देखने को मिल सकता है। प्लीज़ बाहर से या फिर अंदर से ही कुछ भी खरीद कर यहाँ पर कचरा ना करें। ये प्रॉब्लम हमने खुद देख रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे कैन पड़ा हुआ है, कहीं पे ग्लास पड़ा हुआ है, तो आप कचरा मत करें। और आइए हम आप लोग को नील गाय दिखाते हैं। हम नील गाय वैसे तो इंडियन रूरल इंडियन में बहुत पाया जाता है, हमारे गाँव वाँव में तो ऐसे घूमते रहते हैं ये, बट यहाँ पर आपको चिड़ियाघर में देखने मिलेगा। तो जैसा कि देख सकते हैं ये एक कैसोवेरी है, और ये मेनली ऑस्ट्रेलिया और गेनिया में पाया जाता है। और आप यहाँ पर एनिमल्स को अडॉप्ट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची ने अडॉप्ट किया है इन दो कैसोवेरीज को। तो आइए दोस्तों अब आप लोग देखने जा रहे हैं ज़ेब्रास। ये लोग मतलब एंशिएंट टाइम के ये जानवर हैं, और जैसा कि आप लोग इन लोग के कलर से भी देख सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट में ही रहते हैं हमेशा। और इन लोग का जो स्ट्राइप्स है, सबको लगता है कि ये एक ही जैसे स्ट्राइप्स है, बट आप अगर इसे वेरी क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सभी का अलग अलग पैटर्न है, और वो लोग अपने आप को इसी तरह पहचानते हैं वो अलग पैटर्न देख कर। और ये लोग ज़्यादा दिखने में एकदम खच्चर टाइप जो होते हैं ना, उन लोग के जैसा दिखने में है, बट इनको आप बोल सकते हैं खच्चर और घोड़ा का मिक्सचर विथ वाइट एंड ब्लैक स्ट्राइप्स। चुके हैं अपने लंबे भाइयों के घर, और यहाँ पर हमारी हालत थोड़ी सी ख़राब ही हो रखी है, मतलब हम लोग 80% जू घूम चुके हैं, और अभी आप लोग देखने वाले हैं हमारे कुछ लंबे भाइयों को। तो अब हम लोग आ गए हैं मिस पायल के पास, और ये हमारा एंडिंग पॉइंट भी होगा। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, और फिर थोड़ा अपना घर की तरफ निकलेंगे हम। तो मिस पायल को देख के फिर हम लोग टाटा बाय बाय करने वाले हैं इस जू को।